स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसका डे 5 और 6 है। मैं ऑलरेडी 1, 2, 4 समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग आगे का स्टडी करेंगे वर्कशीट 5 और 6 डे की। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि चित्रों को गिनकर उसकी संख्या बॉक्स में लिखनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे दी गई चित्र को काउंट करेंगे कि कितने नंबर है। काउंट करते हैं, 1 साइकिल 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितना है, 6 साइकिल है, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अब ठीक इसी तरह इन बसेस को काउंट करते हैं, 1 बस 2 बस 3 बस एंड 4 बस। तो आंसर क्या हुआ, 4। आगे देखते हैं, स्कूटर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आया, 5 आया। कार्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सही आंसर क्या हुआ, 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। सेकंड स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बोला गया है कि दिए गए क्रम को आपको पूरा करना है। पैटर्न्स दे रखे हैं, जैसे एक एरो ऊपर दे रखी है, एक राइट में दे रखी है, एक डाउन यानी नीचे दे रखी है, एक लेफ्ट में दे रखी है। तो इस एरो के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, दोबारा से पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी ये वाला पैटर्न आपका। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी एरो बनी हुई है, यानी यही वाली जो एरो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देन प्लस के बाद अगेन ये वाला साइन आएगा सेकंड पर, फिर थर्ड पर ये आएगा, फिर फोर्थ पर ये आएगा। देन फिर दोबारा से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। अब इन फेसेस को देखते हैं, एक हैप्पी फेस दे रखा है, सैड फेस दे रखा है, अगेन हैप्पी फेस दे रखा है, सैड फेस दे रखा है। तो नेक्स्ट वाले कैसे होगा, हैप्पी फेस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड थर्ड वाला देखते हैं, 1 सर्कल दे रखा है या 2 सर्कल, बढ़ते बढ़ते 3 सर्कल हो गए, देन 4 सर्कल हो गए। तो नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 5, यानी 5 सर्कल्स आएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि चिन्हों को समझते हुए आपको हल करना है। अब चिन्हों पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि प्लस का साइन है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। आई होप प्लस और माइनस करना सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो मैंने 4 लाइन डाल दी, नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5, 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर कितना आया, 9। अब आपको ये चिन्ह देखना है कि यहाँ माइनस का है, तो आप माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, और अगर 3 में से 4 तो नहीं जा सकते स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसा डिजिट दे रखा होगा तो वो नंबर माइनस में जाएगा। तो अगर क्योंकि 3 में से 4 तो नहीं जा सकते, 3 छोटा है और 4 बड़ा है, इसलिए -1 लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि इनके अंदर गैप है कितना, 4 और 3 में 1 का गैप है। साइन इसका ज़्यादा बड़ा है, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो जिसका साइन बड़ा होगा उसी का आएगा -1। अब नेक्स्ट में बोला है स्टूडेंट्स कि बिंदुओं को आपस में मिलाना है। आपको इस तरह यहाँ बिंदुएं दे रखी थी और इनको इस तरह से जोड़ दिया, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट में ठीक इसी तरह यहाँ बिंदु दे रखी थी और इनको आपस में जॉइन करना था। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे भी आपको डॉट्स दे रखी थी, तो इनको ऐसे करके मिलाना था, जॉइन करना था ऐसे करके डॉट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि राहुल के पास 8 खिलौने थे, तो उसके भाई ने उसे 3 खिलौने और दे दिए। क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई देगा तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर आप देंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास पहले कितने थे, 8 खिलौने थे, और उसके भाई ने क्या करा, 3 खिलौनों से और दे दिए। क्योंकि दे दिए हैं तो आप इसको जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो आंसर 11 खिलौने। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिहान के पास 9 चीकू थे और उसने उसमें से 6 चीकू को खा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 9 चीकू थे और आपने 9 में से 6 को खा लिया चीकू को, तो आपके पास अब कितने चीकू बचे, आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे। तो आंसर कितना आया, 9 चीकू।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्कशीट 5 और 6 भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।